कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एंड भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, पक्का कुछ नहीं करूंगा। आपने आपको अगर मेरे बारे में नहीं मारो मैं ना, आप प्लीज क्या कहते हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है ना सिस्टम में MM000, आपको नहीं मालूम है तो प्लीज़ आप क्या करना, यूट्यूब यूट्यूब भाई तू मत कर कुछ, क्या नहीं करें ठीक है। ये मिडिल क्लास फैमिली के ना, मैं शायद इस लेते हैं क्या है, मैंने इस पे बताया था कि मास्टर्स डिग्री मत करो करके। ठीक है भाई, आपको करना है करो यार, बहुत पैसे हैं आपके पास तो कर लो, ठीक है कोई तो रोक नहीं रहा। बट मैंने स्ट्रिक्टली बोला था गाइस, मास्टर डिग्री करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कि बहुत पैसे हैं तो ठीक है उड़ाओ, ठीक है मास्टर्स डिग्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट टू डू एनी मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट इन इंडिया। कॉमेंट्स ठीक है, किसने बताया था यार क्या कहते हैं, डार्क व्यू में अच्छा नहीं दिख रहा तो इसीलिए मैंने वाइट कर दिया है। लेट मी नो अगर ठीक लगता है तो। हेलो टिकीस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत टाइम बाद लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, कम से कम 2-3 हफ्ते तो हो ही गए होंगे, बहुत टाइम बाद लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। ठीक है देखते हैं, थोड़े चीज़ें सेटअप कर लेता हूँ उसके बाद अभी स्टार्ट करेंगे। आज ना मेरा रिज्यूम भी रिव्यू करेंगे, चीट कोड बताऊंगा, सब चीज़ें लास्ट में बताऊंगा, अभी थोड़े बने रहना। स्टार्टिंग में थोड़े कमेंट्स देखेंगे क्या क्या फोड़ा है हमने। ठीक है चलिए शुरू करते हैं, जो लोग आ रखे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में चेक कर लेता हूं मैं, सब लोग यहां मैंने खोल के रखा है चैट। ठीक है जो भी आप मैसेज करोगे मैं पढ़ूंगा, एंड हो सके तो मैं लाइव भी आंसर कर दूंगा। ठीक है चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, स्टार्ट करते हैं कमेंट्स। ठीक है किसने बताया था यार क्या कहते हैं, डार्क व्यू में अच्छा नहीं दिख रहा तो इसीलिए मैंने वाइट कर दिया है। लेट मी नो अगर ठीक लगता है तो, या अपीयरेंस लाइट किया। ठीक है मेरे लिए तो ठीक है कोई भी, बट वैसे मेरे को डार्क ज़्यादा पसंद है। ठीक है ओके, एक बार माइक का सेटअप देख लेता है। ओके गाइस चलिए स्क्रीन आ चुका है, मैं एक बार आई हैवंट रिस्पॉन्डेड को हटा देता हूँ, लेटेस्ट जितने भी हैं अब कुछ देख लेंगे हम, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। हैवंट रिस्पॉन्डेड सबके सब हटा देता हूँ, एंड लिंक भी कॉपी कर लेते हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग का है लिंक, स्टूडियो में जाके। ठीक है लोग को बता भी देंगे कि कौन से लाइव स्ट्रीमिंग में उनके क्वेश्चंस के आंसर करे हैं, दैट विल हेल्प देम। ठीक है ओके, ऊपर से चलें 3 days back। ओके ठीक है, ETL टेस्टिंग इस पे क्या बोला था, शायद मैंने पूछा था इसको इस वीडियो पे कि कहीं पे ETL टेस्टिंग टाइप करने बोला होगा, इसीलिए ETL टेस्टिंग आया है। देखेंगे कितने रिप्लाइज आते हैं ETL टेस्टिंग के, यहाँ पे बहुत सारे रिप्लाइज आएंगे तो ETL टेस्टिंग का एक और मस्त वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है ETL टेस्टिंग, सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा थैंक यू, सोनाली मिश्रा आपने क्या कहते हैं हमारे वीडियो पे कमेंट किया, थैंक यू सो मच। ETL टेस्टिंग यस, अगर आप भी ETL टेस्टर हो तो इस कमेंट पे जरूर बताना यार, एकदम आप लोग आप लगा ले हो एकदम। ठीक है थैंक यू सो मच, एंड एक हार्ट बनता है।
ये था सिस्टम 0004 days ago. भाई तू मत कर कुछ, कह नहीं करें ठीक है. ये मिडिल क्लास फैमिली का ना, मैं शायद इस लेते हैं क्या है. मैंने इस पे बताया था कि मास्टर्स डिग्री मत करो करके. ठीक है भाई, आपको करना है करो यार, बहुत पैसे हैं आपके पास तो कर लो, ठीक है, कोई तो रोक नहीं रहा. बट मैंने स्ट्रिक्टली बोला था गाइस, मास्टर डिग्री करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कि बहुत पैसे हैं तो ठीक है उड़ाओ, ठीक है, मास्टर्स डिग्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट टू डू एनी मास्टर्स डिग्री, एटलीस्ट इन इंडिया, ठीक है. एंड भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, पक्का कुछ नहीं करूंगा. आपने आपको अगर मेरे बारे में नहीं मारो मैं ना, आप प्लीज क्या कहते हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है ना सिस्टम मैम, 0000 आपको नहीं मालूम है तो प्लीज आप क्या करना, यूट्यूब 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 में जा करके, ठीक है, यहाँ पे टेकी के देख लेते हैं, टेकी ट्रैकिंग, ठीक है, हाँ चलते हैं. यहाँ पे जाके वीडियोस में यहाँ दो चार पॉडकास्ट रहेंगे, मैं बताता हूँ. हाँ ये वाला पॉडकास्ट है ना, ये पार्ट वन पार्ट टू, ये दोनों देख लेना भाई तुम, ठीक है, तुमको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कौन कौन से बताऊँ मैं. ठीक है, मैं बता देता हूँ, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों आप पॉडकास्ट देख लेना, ये रहा, यहाँ पे मैंने 1000% हाइक मारा है, ठीक है, कहाँ से पढ़ के कहाँ पहुँचा हूँ, मेहनत है भाई, भगवान का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, एंड मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, ऐसे ही खुद्दू नहीं है, ठीक है, यहाँ पहुँच गए यहाँ पे ऐसे ही मुँह उठा के, ठीक है. एंड इट्स माई प्रैक्टिकल एंड यू नो इकोनॉमिकल एडवाइस सबसे, कि यार मास्टर्स डिग्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन ईजिली गेट सैलरी, ठीक है, कोई मास्टर डिग्री करना कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, ठीक है. एनीवेज आपको थम दे देंगे यार, ठीक है. इसमें जस्ट लर्न 100, जस्ट लर्न 100 ने लिखा है अजाइल एंड क्या है डिफेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, इन दोनों के ऊपर बनाएंगे यार एक वीडियो बनाएंगे, अजाइल एंड कौन कौन से डिफरेंट नो सॉफ्टवेयर मॉडल्स होते हैं जो फॉलो करके एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम काम करती है, उसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम जो भी होता है वो काम कैसे करती है, कैसे एक सॉफ्टवेयर बनता है, वो सब चीज़ों के ऊपर अजाइल एंड डिफेक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर एक वीडियो डिटेल वीडियो बनाएंगे, जैसे मैंने रोड मैप वाले जो वीडियो है इसमें, दिस वन दिस वीडियो जो रोड मैप वाला वीडियो है, इसमें यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में 1 आवर प्लस वीडियो, 1 आवर 30 मिनट्स का वीडियो है, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें डिटेल में मैंने बताई है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए एक ईटेल टेस्टर को, फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या करना है ईटेल टेस्टिंग में, वो सब चीज़ें इसमें बताई है मैंने, ठीक है. एंड थैंक यू जस्ट लर्न और योर कॉमेंट्स, एंड पक्का इस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है. यहाँ कोमलीश्वरे वो ना वही है ना, कोमली कोमलीश्वरे कोमलीश्वरे अजाइल, यस थैंक यू आपका कॉमेंट के लिए, हम ट्राई करेंगे. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन अजाइल ऑल्सो. एंड ये दोनों वीडियो था रोड मैप में, ठीक है. इसके बाद क्या है, पंकज पंकज सोलुंग के, सॉरी यार अगर गलती से नाम प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ ना तो प्लीज़ करेक्ट कर देना मुझे, पंकज सोलुंग के, थैंक यू, योर एसक्यूएल प्लेलिस्ट इज लिट एंड लिट बेस्ट, या पता नहीं समझ में नहीं आया मुझे, लाइट लिट एंड हेल्प्ड अ लॉट टू क्रैक इंटरव्यू. देखो यार लोग बोल रहे हैं, मतलब इम्पैक्ट तो मैं ला रहा हूँ लोगों के लाइफ में, इवन कैसे इंटरव्यूज क्रैक करना है उसके बारे में बता रहा हूँ, एंड आज भी मैं बताऊँगा इंटरव्यूज के कुछ टिप्स भी दूंगा, एंड कुछ वीडियोज ऑलरेडी बना रखे हैं, रेज्यूम कैसे बनाना है वो चीज़ भी आज के लाइव सेशन में बताऊँगा मैं, हमारे पास बहुत टाइम है आज, बहुत देर तक लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे. थैंक यू सो मच यार पंकज भाई, आपने इतना अच्छा कमेंट किया, एंड ऐसे छोटे छोटे कमेंट्स होते हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, एंड मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ, पक्का करूँगा भी, ठीक है. यहाँ पे क्या था, रोहन वर्मा, रोहन वर्मा वर्स्ट कंपैरिजन डेटा वैलिडेशन, या डेटा वैलिडेशन इस वीडियो का व्यूज़ देखते हैं, देखते
देखो 2.1K, मेरा चैनल टोटल चैनल ही 2.83 है, 2.1K व्यूज हैं इस पर। कॉमेंट देखो 77 लाइक्स है भाई, 77 लाइक्स है, 9 कॉमेंट्स है, सब ने नाइस नाइस कंटेंट ब्रदर ये सब लिखा हुआ है। और ये कौन फुद्दू है आया पता नहीं लिख रहा है फर्स्ट कंपैरिजन। यार यार देखो आपको ETL टेस्टिंग आती नहीं है तो बात अलग है, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आया वीडियो में क्या समझा है तो बात अलग है, वर्स्ट कंपैरिजन नहीं है। हाँ ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक शायद किसी ने बोला था, पॉइंट आउट किया था कि बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ी ज़्यादा है, दैट आई अंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि कि नया नया एक एडिटर मैंने हायर किया था जिनसे मैं करवा रहा था, तो दैट हैपन्स, पर वर्स्ट कंपैरिजन बिल्कुल नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। देयर इज अ जेन्युइन फीडबैक यार, आप प्लीज फीडबैक जरूर कमेंट देके बताओ क्या फीडबैक है, क्या कैसे करना चाहिए, जैसे आपको और अच्छा हो, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू एंड इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मेरे पास और बहुत काम है करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे बस वर्स्ट कमेंट कर दो यार, क्या है आप मेरा आंसर भी देख लेना यार, मेरा ये लाइव सेशन भी देख ही लेना आप एक बार, ठीक है, वीडियो में अब तो थोड़ा मजा भी आए, ठीक है। यहाँ पे मैं जाए तो सीधा जाके रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है, बट करूँगा नहीं। आप वर्स्ट कंपैरिजन किस एंगल से बोल रहे हो वो भी बता देना, ठीक है, खाली ऐसे वर्स्ट कंपैरिजन लिख के चले मत जाना। रोहन वर्मा, पता नहीं आपके कमेंट्स मैंने पहले कभी पढ़े नहीं शायद, जितना मेरे को याद है, अगर आप हर बार कमेंट कर रहे हैं इस बार लिखा है तो प्लीज़ बताना भी जरूर कि क्यों आपने वर्स्ट कंपैरिजन लिखा है, ठीक है। व्यूज़ तो बहुत अच्छे गए हैं उस पर, लाइक्स भी बहुत आए हैं, कमेंट्स भी बहुत आए हैं, वीडियो चला तो है, इम्पैक्ट तो लाया है बहुत लोग के लाइफ में, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच रोहन वर्मा, आपने वर्स्ट तो लिखा, कम से कम कुछ तो लिखा, थैंक यू। फिर ये क्या है राय और, ठीक है, मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया, राय आर ए वाई राय समझ में आया, राय हेलो 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 थैंक्स मैं लिया क्या चीट कोड हेलो हेलो क्या हो गया मेरे को समझ में तो आया नहीं, लगता है वो उनके जो मेरा वीडियो बनाया है उस वीडियो का रिप्लाई सुन के रो रहे हैं, हेलो हेलो भाई क्या कर दिया करके ऐसा टाइप्स। ओके थैंक यू यार आपने कमेंट किया, एंड हेलो हेलो से आगे भी थोड़ा लिख लेते तो पता चल जाता, बट एनी वेज आई सम वॉट इंटरप्रिटिंग सेइंग दैट उनके जो आंसर थे इस जो मैंने शॉर्ट बनाया था, इस शॉर्ट का जो आंसर है उससे शायद लोग समझ नहीं पा रहे क्या ही यार बताइए क्या करना क्या चाह रहा है यार, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। एंड विष्णुवर्धन भाई वो ब्लैक बैकग्राउंड इज सो डल विथ वाइट बैकग्राउंड, ठीक है भाई आपका इसे हमने फॉलो कर ली है, एंड आप इस लाइव सेशन में देखिए इधर वाइट स्क्रीन यूज़ किया है, ठीक है, आप खुश रहिए, थैंक यू। आपका ही कमेंट था जिससे शायद मैंने वाइट कर दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, आई थिंक किसी और को प्रॉब्लम नहीं है बट आपको है तो इसलिए है तो इसलिए हमने वाइट कर दिया, ठीक है। एनीवे वाइट तो अच्छा लगता ही है। कैन क्रिएट वीडियो ऑन ETL टेस्टिंग, यस कोमलीश्वरे यस सर, आपका कॉमेंट जरूर ETL टेस्टिंग का वीडियो बनाएंगे, एक और डिटेल वीडियो बनाता हूँ यार आज इस वीडियो पे चलो टारगेट देते हैं, इस वीडियो पे 10 कमेंट आएंगे ना, इस वीडियो पे 10 कमेंट आएंगे एंड 25 लाइक्स आएगा तो मैं पूरा ETL टेस्टिंग का एक 1.5 आवर का वीडियो बताता हूँ, ठीक है। ऑटोमेशन ETL टेस्टिंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पहले बोलते हैं कोमलेश्वर एक का के रिप्लाई पे, ठीक है, कैन क्रिएट ऑन ETL टेस्टिंग, ठीक है, टारगेट इज 10 लाइक्स, ठीक है, 10 लाइक नहीं 10 लाइक्स एंड 15 कमेंट्स, ठीक है, 15 कमेंट्स आप कर दो, मैं पूरा एक 1 आवर का ETL टेस्टिंग के ऊपर वीडियो लाऊंगा, 1 आवर का ETL टेस्टिंग में कैसे एक रियल टाइम प्रोजेक्ट काम करती है उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। प्रोजेक्ट का मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, ETL टेस्टिंग में होता क्या है, कैसे एक QA आता है, क्या क्या वो चीज़ रोल करता है, वो चीज़ पूरा बताऊंगा मैं, ठीक है, ETL टेस्टिंग का, ठीक है। चलो इस लाइव स्ट्रीमिंग चलो आपको टारगेट है, लाइव स्ट्रीमिंग में आप 10 लाइक्स कर दो एंड 15 कमेंट्स कर दो, कमेंट्स कुछ भी हो चलेगा, ठीक है, 15 कमेंट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट में चलते हैं, कमलेश्वरे आपको टारगेट दिया या दोस्तों से करवाओ, आप ही 15 कमेंट कर दो। चलो ऑटोमेशन ETL टेस्टिंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, हिमांशु व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, आपको क्वेश्चन जो है इसमें आंसर कर दे रहा हूँ बट अभी मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे समझाता हूँ। ऑटोमेशन ETL टेस्टिंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टूल्स, देखिए फर्स्ट थिंग होता है, आप अगर
बेसिक ETL टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे होगा मेन आपको पाइथन आनी चाहिए, ठीक है, पाइथन आनी चाहिए। पाइथन में मेन लाइब्रेरीज होते हैं आप पांडास एंड स्पार्क, ठीक है। जब डेटा वॉल्यूम कम होता है तो पांडा यूज़ करना है, जब डेटा वॉल्यूम हाई होगा स्पार्क यूज़ करना है। वैसे बोथ आर इक्वली ऑप्टिमाइज्ड टू हैंडल डेटा, बट जब वॉल्यूम आ जाता है ना तो पांडा थोड़ा मार्क आ जाता है, ठीक है। तो आपको मेन है पाइथन आना चाहिए, पाइथन के साथ पांडास एंड स्पार्क, ये तीन आप सीख लेंगे ना, इतना काफ़ी है। पाइथन में पांडास एंड स्पार्क इतना सीख लेंगे। पाइथन में बहुत डिटेल में सीखने की जरूरत नहीं, आप बेसिक कम से कम कोई भी एक 2 hours का ट्यूटोरियल ले लीजिए जहाँ से भी आप सीख सकते हैं। मैं खुद एक बनाता हूँ, नहीं तो कम से कम इस ईयर एंड में बनाता हूँ, ठीक है, इस ईयर एंड तक बनाता हूँ पाइथन का एक ट्यूटोरियल, ठीक है। ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए इतना हो गया, ठीक है। एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग करना कैसे है इसका भी एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसका वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, ऑटोमेशन ETL टेस्टिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। पाइथन में बता दी, सिंपल ये चीज़ होते हैं। एंड आप पाइथन चलाने के लिए आप पाइचाम यूज़ कर सकते हो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने दोनों यूज़ किया है बट मोस्टली मैं पाइचाम यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड में इतना काम किया नहीं है बट इट इज़ गुड, ज़्यादा काम नहीं किया है बट मैंने पहले कोडिंग जो करता था C++ के वो सब मैं पाइथन में करता था, HTML, CSS ये सब भी जब करता था विजुअल स्टूडियो कोड में करता था, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। IDE हो गया। एंड आप डेटाबेस में ना MySQL सिंपल इंस्टॉल कर सकते हो एंड Oracle भी इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे आप देखा जाए तो आप AWS और Azure इनके साथ भी कनेक्ट करके GCP क्लाउड में भी आप टेस्टिंग कर सकते हो या फिर कोई भी बिग डेटा का प्लेटफॉर्म हो जैसे क्लाउडेरा हो सकता है एंड कोई भी जिसमें भी आप क्लस्टर बना सकते हो उस तरह का कोई भी इन्वायरमेंट आप लेकर के आप बिग डेटा का टेस्टिंग कर सकते हो। ETL का टेस्टिंग कोई भी टूल हो बट सोर्स टारगेट होना चाहिए, जैसे MySQL सोर्स हो गया, टारगेट Oracle हो गया या फिर CSV फाइल हो गया, JSON फाइल हो गया, ठीक है। इनमें से कुछ भी ऐसा कैसे भी किसी तरह भी क्रॉस जॉइन जैसा टाइप्स यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ किसी तरह का भी आप वैलिडेशन जो है परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। उसका पूरा डिटेल्स चाहिए तो आप मेरा एक लाइव स्ट्रीमिंग देख लेना, ऑटोमेशन टेस्टिंग का एक लाइव स्ट्रीमिंग है उसके पर मैंने उस पर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और डिटेल में भी और भी आगे बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग में एंड वीडियोज़ में बताऊँगा। एक ऑटोमेशन का एक स्पेसिफिक पूरा एक प्लेलिस्ट ले आएंगे, एक सीरीज ले आएंगे 100 days तक चैलेंज जैसे कुछ। एंड ट्राई करता हूँ मैं ऑटोमेशन का एक स्पेसिफिकली क्या कहते हैं कोर्स भी ले आते हैं, ठीक है। ठीक है, एंड ये सब टूल बेसिक चीज़ें जैसे कि मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पाइथन, ठीक है, पाइथन में पांडास सीख लो एंड स्पार्क सीख लो। एंड इन सबको चलाने के लिए आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हो, जैसे PyCharm यूज़ कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हो, उसके इंस्टॉलेशन वेरी सिंपल हैं, ठीक है। एंड उसके बाद डेटाबेसेस कोई भी MySQL सिंपल से मिल जाता है, उसको कैसे इंस्टॉल करना नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं MySQL इंस्टॉल कैसे करना है उसको भी बता दूंगा। MySQL एंड कोई भी CSV फाइल ले लो, JSON फाइल ले लो, इनके साथ वैलिडेशन करके ETL टेस्टिंग का ऑटोमेशन कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता एक बार मेरे को फिर कमेंट्स में बताना, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। Azure, ठीक है यार, Azure पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मैं सोच ही रहा हूँ आपके बहुत सारे हिमांशु आपने फिर से कमेंट किया, ठीक है। Azure मैंने पहले बोला था कि मेरे को कम से कम 50 कमेंट चाहिए अगर मुझे कम से कम AWS बनाइए या Azure या फिर GCP कोई भी एक आप कमेंट करिए या तीनों कमेंट करिए, आई डोंट केयर, कम से कम एक आएगा, एक AWS का 50 हैशटैग AWS आएगा तो मैं AWS का ऑटोमेशन पूरा S3 से Redshift से वैलिडेशन हो सकता है जो भी है पूरा ऑटोमेशन मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है भाई गाइस, जैसे आप कमेंट करोगे दैट विल मोटिवेट मी, हाँ लोग सीखना चाहते हैं, फिर उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वीडियो ऑन एंड टू एंड ETL टेस्टिंग प्रोजेक्ट रिटेल, नो वन मेड वीडियो ऑन दिस एंटायर यूट्यूब एक चैनल्स, ठीक है, ऑन रिटेल प्रोजेक्ट्स, राइट, यू आर स्पेसिफिक अबाउट रिटेल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप ना बेसिकली जस्ट हेल्प मी विथ सम ऑफ द रिटेल टेबल्स,
है, जस्ट हेल्प मी। डिटेल्स की जैसे OLTP में टेबल्स होते हैं ना, OLTP इज लाइक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। OLTP जो सोर्स है उसके कुछ या तो CSV फाइल्स या फिर कुछ भी डेटा, कुछ भी टेबल्स, एटलीस्ट गिव मी एटलीस्ट 5 टेबल्स जिसका मैं एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना सकूँ, ठीक है। आई विल मेक अ एंड टू एंड प्रोजेक्ट बट गिव मी सम डेटा, मेरे को कुछ डेटा चाहिए, तो गिव मी एटलीस्ट 5 सोर्स टेबल्स। सोर्स टेबल्स यू कैन जस्ट मैनिफेस्टेशन कन्नड़ा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कन्नड़ा आप क्या करो ना, कमेंट इन आंसर, सेंड मी सम डेटा ऑन लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, देन आई विल श्योरली मेक अ एंड टू एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या होता है ना, मैं जब सोर्स डेटा बनाऊंगा, मैं डेटा बनाऊंगा ना, तो फिर यू माइट नॉट बी कन्विंस्ड कि इसी डेटा, फिर आप बोलोगे इस डेटा पे बनाओ, उस डेटा पे बनाओ। सिंस आपने ये रिक्वेस्ट डाली ना, तो आई वुड एक्चुअली रिक्वेस्ट कि आप क्या करो ना, एक मेरे को कम से कम बस पांच टेबल्स दे दो, बस 5 सोर्स टेबल्स दे दो, उसके बाद टारगेट टेबल अगर आपके पास है तो वो भी दे दो, नहीं तो मैं ये सोर्स टेबल से ही कुछ टारगेट टेबल्स, फैक्ट टेबल्स बना लूंगा, डायमेंशन टेबल बना लूंगा, एंड उसी के ऊपर फिर ऑटोमेशन पूरा अगर चाहिए वो भी बना दूंगा, एंड टू एंड रिटेल टेस्टिंग, ठीक है। एक मैनुअल टेस्टिंग का ही, मैनुअल रिटेल टेस्टिंग का, मैनुअल रिटेल टेस्टिंग का एक प्रोजेक्ट बना दूंगा, उसके उसको ऑटोमेशन कैसे करना है, ठीक है, उसको ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे करेंगे, पाइथन में स्पार्क यूज करके, पांडा यूज करके उसको कैसे ऑटोमेशन करना है वो भी मैं सिखा दूंगा। पहले पूरा एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट मैं बना दूंगा, ठीक है, एंड टू एंड सोर्स से टारगेट तक का पूरा प्रोजेक्ट बना दूंगा, उसको मैनुअली वैलिडेशन कैसे करना है, ठीक है, हर एक टेबल्स का डायमेंशन फैक्ट टेबल्स बना दूंगा, एंड उस पर एक BI भी बना दूंगा, ठीक है, एक BI डैशबोर्ड बना दूंगा। ये पूरा एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना दूंगा, यहाँ से यहाँ सोर्स टू टारगेट वैलिडेशन कैसे करना है, फिर टारगेट टू BI टेस्टिंग भी कैसे करना है, ये पूरा चीज, ठीक है, ये पूरा चीज कैसे टेस्टिंग करना है ये भी थका दूंगा, एंड उसके ऊपर उस ये पूरा जो टेस्टिंग है इसको मैनुअली करने के बाद उसको ऑटोमेशन कैसे करना है ये चीज़ भी सिखा दूंगा, ठीक है। प्लीज़ मैनिफेस्टेशन कन्नड़ा आप प्लीज़ क्या करो, ये डिटेल्स सेंड करो, आई विल श्योरली मेक एंड टू एंड प्रोजेक्ट एंड फिल कर दूंगा मैं, ठीक है। आई परचेज डिटेल टेस्टिंग ओके, पब्लिकली सब्सक्राइब टू यू 1 month, क्या है पब्लिकली सब्सक्राइब्ड, ये क्या नया आया है भाई, तो समझ में, ठीक है, इसके ऊपर बाद में देखेंगे, ये ऐसा आया है। ओके, थैंक यू मैनिफेस्टेशन कन्नड़ा एंड थैंक यू हिमांशु फॉर योर कमेंट्स। अब यहाँ जाते हैं प्रजक्ता, ठीक है, प्रजक्ता, प्रजक्ता ने लिखा आई परचेज डिटेल टेस्टिंग नोट्स, आई एम नॉट एबल टू सी द नोट्स, कैन यू प्लीज गाइड इट वेर इट इज, कैन ओनली सी पे स्लिप, ओके, ठीक है। प्रजक्ता ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू यू ऑन व्हाट्सएप, मैंने आपको मैसेज व्हाट्सएप में मैसेज करके आपको डिटेल्स दे दिया था, एंड आई होप यू वुड हैव गॉट द डिटेल टेस्टिंग नोट्स, ठीक है गाइज। ये डिटेल टेस्टिंग नोट्स क्या है उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है, जस्ट गो टू kayaking.com, गो टू माई वेबसाइट एंड आप यहाँ पे जा करके माई नोट्स, ठीक है, PDF नोट्स ऐसे क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको ये PDF नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। माई नोट्स ये 60 rupees का है, एंड दिस ऑफर ऑफ जगन्नाथ विच इज़ अ 50% ऑफ, दिस ऑफर इज गोइंग टू एंड इन ऑगस्ट, ठीक है, ऑगस्ट में एंड हो रहा है गाइस, जैसे आप ये लगा दोगे एंड दिस विल बिकम 30 rupees, यू कैन गेट दिस। इसमें नोट्स हैं, डिटेल में पूरा नोट्स है, पूरा ईटेल टेस्टिंग का बेसिक, इवन इफ यू आर non-IT, फ्रॉम अ non-IT बैकग्राउंड, वहाँ से लेके यहाँ तक कैसे, मतलब ईटेल टेस्टिंग में क्या पढ़ना है, SQL में क्या पढ़ना है, ठीक है, ईटेल टेस्टिंग में क्या पढ़ना है, ईटेल टेस्टिंग में क्या पढ़ना है आपको,
बेसिक ऑफ ईडीएल टेस्टिंग क्या पढ़ना है, डेटा वेयर हाउस के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या पढ़ना है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग क्या क्या होते हैं, उन सब के ऊपर डिफरेंट जैसे वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मॉडल, ये सब चीज़ें, डिफेक्ट लाइफ साइकिल, ये सब चीज़ें इस नोट्स में है, पूरा डिटेल इस नोट्स में पूरा भरा पड़ा है एकदम, ठीक है। अगर मैं जस्ट दिखाता हूँ, एक सेकेंड दिखा देता हूँ नोट्स यहाँ पे, एक मिनट आई एम जस्ट ओपनिंग द नोट्स, डेटाबेस हाउस थ्योरी, वेयर इज द नोट्स, ये पूरा नोट्स है गाइस, पूरा नोट्स है, इसको डायग्राम बना करके डिफरेंसेस ये वो आर्किटेक्चर डायग्राम, इवन फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल, यूनिक्स कमांड्स, ठीक है, डिटेल टेस्टिंग, टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, अजाइल मॉडल, स्क्रम मॉडल, ये वो एसटीएलसी, डिफेक्ट लाइफ साइकिल, इसके ऊपर टेस्ट केसेस कैसे लिखना है, टेस्ट केस टेम्पलेट, डिफरेंट टाइप ईटीएल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, फिर उसके बाद बीआई टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स भी रहेंगे, पूरा बहुत कुछ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है, बीआई टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स भी है, सब कुछ भरे पड़े हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे भरे पड़े हैं, ठीक है, इस पूरा डॉक्यूमेंट में, ठीक है, ये यही चीज़ बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, यही चीज़, यही चीज़ बात कर रहे हैं। एंड ये क्या कहते हैं इनके, ये जो ये पे स्लिप बोल रहे हैं, ये यहाँ पे क्या कहते हैं, जो इनवॉइस सेंड होता है वेबसाइट से ऑटोमेटिकली, वही चीज़ की बात कर रही है, वो इनवॉइस दिखा रहा है, बाकी कुछ डिटेल नोट नहीं दिखा रहा है, ये बेसिकली मैंने अपलोड नहीं किया था तब तक, मैं एडिट कर ही रहा था और डिले हो गया, सो एनीवेज नाउ द डिटेल नोट्स आर अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट, आप प्लीज़ खरीद सकते हो, एंड उस पर जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो अपडेट्स भी मैं डालता रहूँगा, एंड इट इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर यू और लाइफ टाइम, ठीक है, आप फ्रीली अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं नोट्स को। फाइल कंपेरिजन एंड ईटीएल टेस्टर चैलेंजेस, ओके प्रोजेक्टा, हम इस पर वीडियो पक्का बनाएंगे, फाइल कंपेरिजन कैसे करना है, फाइल बेसिकली CSV टू CSV हो सकता है, CSV टू JSON हो सकता है, वैसे वर्षा हो सकता है, या फिर JSON टू Parquet हो सकता है, ठीक है, एंड भी बहुत सारे फाइल फॉर्मेट होते हैं, TXT हो सकता है, CSV हो सकता है, JSON हो सकता है, एंड Parquet हो सकता है, फिर और भी कई तरह के होते हैं, बहुत सारे फाइल फॉर्मेट, बहुत सारे कुछ भी फाइल फॉर्मेट हो सकता है, बट उसको कैसे रीड करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। एंड ईटीएल टेस्ट चैलेंजेस, हाँ बेसिकली ईटीएल टेस्टर का होता है ना, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ऐसे नहीं होता है, इट इज़ नॉट ईजी फॉर ईटीएल टेस्टर, उसमें चैलेंजेस क्या होते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते, 5 years, 7 years एक्सपीरियंस हो जाते, तो वो लोग पूछते हैं कि आप क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, सो दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया टू चेक इफ यू हैव रियली वर्कड ऑन यू नो हैंड्स ऑन काम किया है कि एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में कि नहीं, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन हो सकती हैं, सो विच इज़ वेरी मच नॉर्मल इन एनी डिटेल इंटरव्यू, ठीक है। थैंक्स सर, प्लीज़ कंटिन्यू, क्या था ये हैकर रैंक, यार हैकर रैंक को इतना इंपॉर्टेंस मिल नहीं रहा, हैकर रैंक के जो सीरीज़ मैंने निकाला तो मैं थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हो गया था, इसलिए मैंने हैकर रैंक के वीडियोज़ बनाए नहीं, बट उसको मैं एक न्यू फॉर्म में, एक 100 days हैकर रैंक चैलेंज के फॉर्म में लाने वाला हूँ, ठीक है, 100 days हैकर रैंक चैलेंज, और वो अभी 15 वीडियोस हो चुके हैं, 15 के ऊपर और ऑलमोस्ट 85 वीडियोस मैं बना रहा हूँ। रैंक इतना मेरे को पता है कि हमने 22.7 lakh रैंक से स्टार्ट किया था, एंड अभी ऑलरेडी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ऑलरेडी 5-6 पार्ट रिकॉर्ड कर चुका हूँ 100 day चैलेंज, उसको ऑलरेडी 7 lakh में आ चुका हूँ मैं वो वीडियोस आएंगे नेक्स्ट वीक तक आएंगे, नेक्स्ट वीक तक आएंगे वो वीडियोस, तो उसमें ऑलरेडी 7 lakh पहुँचूंगा, कहाँ से 22 lakh से 7 lakh ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ मैं, तो मैं पूरा प्लान कर रहा हूँ, वी विल ऑलमोस्ट क्रॉस कम डाउन टू सम फ्यू थाउजेंड्स, ठीक है, तो उतना अचीवमेंट बहुत मस्त है। तो प्लीज़ जो भी लोग SQL प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लीज़ आप मेरे SQL की सीरीज़ भी देखो, आप पहले SQL का जो 2 hours का वीडियो है ना वो पूरा देख लो, ठीक है, एक मिनट बता देता हूं मैं, ठीक है, ये नहीं SQL का 2 hours है ना, ये वाला देखिए 1 hour 48 minutes का ना, ये पहले देख लो, इसके बाद एक और चलते हैं हम अपने इसमें कल के प्लेलिस्ट में, यहाँ पे है 200 SQL query in हिंदी, ठीक है, ये हिंदी का एक है, एंड kickstart SQL, SQL for tester, ये है क्या है, और क्या है भाई, और क्या है, और एक और है यार,
हाँ वो शायद इसमें इन्हीं चैनल में, वहाँ पे देख लेना आप जाके, ठीक है। एसक्यूएल मैंने पूरा बेसिक से सिखाया है, वो चीज़ देख लेना आप, ठीक है। वहाँ से एसक्यूएल सीखने के बाद प्लीज़ कम डाउन टू हैकर रैंक के जो सीरीज़ हैं, आप हैकर रैंक के खुद सॉल्व करते हो, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ठीक है। आप अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो तो प्लीज़ हैकर रैंक के जो सीरीज़ है मैंने बनाया वो देखना। मैंने उसमें समझाया, क्वेश्चन समझाया, उसके आंसर समझाए, मैंने कैसे उसको अप्रोच किया है, किसी किसी में दो दो वे भी सिखाए हैं। प्लीज़ चेकआउट दैट सीरीज़ ऑल्सो, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है, बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ मैं, तो एक लाइक तो बनता है गाइस। एंड आप ऊपर देख रहे हो एक QR कोड है, ठीक है। द QR कोड में शायद मेरा फ़ोन पे का QR कोड है। आप अगर चाहते हो, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, आप अगर चाहते हो कि मेरा मतलब मैं ऐसे रेगुलर वीडियोस लाता रहूँ, लाइव आता रहूँ, सिखाता रहूँ, तो कुछ भी आप अपने मन से डोनेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ ट्रांसफ़र कर देना। इट माइट बी 5, 10, 15, 20 रुपीज़ ऑल्सो, या फिर अगर आप वैसे नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ आप जा करके कम से कम मेरे यहाँ पे कोर्सेज में नोट्स हैं सिंपल, ठीक है। रोड मैप विच इज़ जस्ट 9 रुपीज़ एंड जस्ट ईटेल टेस्टिंग के नोट्स हैं जो 58 है, उसमें भी आपको क्या कहते हैं 50% ऑफ मिल जाएगा अगस्त मंथ में। अगस्त 31 को लास्ट डे है, उसके बाद ऑफर ख़त्म हो जाएगा। मे बी नेक्स्ट जब आएगा ऑफर तब मैं दूंगा। तो कुछ भी इसमें से जो भी कोर्स आपको अच्छा लगता है प्लीज़ आप कोर्स खरीदिए। एंड रेज्यूम वाला बहुत अच्छा कोर्स है, डेटा वेयर हाउस के थ्योरी जो है, पूरा थ्योरी मैंने बेसिक नॉन आईटी से आईटी आने के लिए थ्योरी चीज़ बनाया है। एंड ऑलरेडी और यूनिक्स और ईटेल टेस्टिंग का जो कोर्स है वो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो शायद नेक्स्ट ईयर जनवरी तक आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी कोर्स खरीद सकते हो, दैट विल ऑल्सो सपोर्ट मी इन माई जर्नी, ठीक है। जस्ट QR कोड के बारे में बता रहा था मैं, आप लोग डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी कर सकते हो मुझे, यहाँ पे। थैंक्स, प्लीज कंटिन्यू। यस, थैंक यू, थैंक यू आनंद कुमार फॉर मोटिवेटिंग मी सो मच। थैंक्स सर, प्लीज कंटिन्यू। यार आप बहुत दिल से सर बोलते हो, वैसे सर के लायक तो मैं हूँ नहीं, आप लोग भैया बोल सकते हो, ठीक है। आप सर बोलते हो खुशी से, मेरे को अच्छा लगता है, बट सर के लायक मैं नहीं हूँ, आप लोग भैया बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आपसे कितना साल, दो चार साल, पाँच साल बड़ा हूँगा मैं, तो भैया बोलो, या किसी कोई कोई मेरे से बड़ा हो सकता है, तो इसीलिए भैया बोल लो यार, चलता है, ठीक है। ब्रो यू आर द बेस्ट, ये प्रमोद सी, ब्रो यू आर द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग यू आर डूइंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ कॉमेंट एंड थैंक यू सो मच। कॉमेंट एंड इंस्पिरेशन, यस, थैंक यू सो मच यार, आपने इतना अच्छा कॉमेंट किया, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। प्रमोद, आपके पास शायद मेरा नंबर भी है, यू हैव ऑलरेडी परचेज माई कोर्स ऑल्सो, थैंक यू सो मच, यू हैव परचेज माई कोर्स एंड फॉर श्योर एनी कोर्सेज दैट कम्स ऑन माई वेबसाइट यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर द कोर्स एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट कूपन्स एंड some of the courses I'll make it very minimal for you, yeah, thank you so much and kya hai mirza beg I'm sorry agar main galat pronounce kar raha hu to ETL tools SSIS, yes it is one of the most SSIS SQL server SSIS kya hai SSIS yaar naam yaad tha yaar SIS SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेस, यस दिस SQL सर्वर, दिस वन ऑफ द ETL टूल। हाँ मैं बहुत पहले जब मैंने पढ़ रहा था ETL टेस्टिंग पढ़ रहा था तो तब मैंने SSIS के बारे में पढ़ा था, SSIS के बारे में, बट यूज़ नहीं किया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टूल मार्केट में, जो भी माइक्रोसॉफ्ट के जो भी इंटीग्रेटेड सर्विसेज लेते हैं ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के इंटीग्रेटेड सर्विस जैसे माइक्रोसॉफ्ट SOFT, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है SQL सर्वर, ठीक है, MS SQL सर्वर आता है, MS SQL यार, ठीक है। जो भी माइक्रोसॉफ्ट का लेता है ना, जैसे माइक्रोट SQL सर्वर ले लेते हैं, ठीक है, फिर SSIS ले लेते हैं, फिर SSMS ले लेते हैं, फिर और इसका भी BI भी होता है ना, पावर BI ले लेते हैं, ठीक है। तो पूरा माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेटेड हो जाता है एक ही सोल्यूशन। तो ये पूरा अगर आप अजर में भी माइग्रेट हो गए ना, तो अजर का पूरा मिल जाता है, तो दैट वे इट्स वेरी गुड। तो पूरा एक माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेटेड लेते हो तो इट्स वेरी गुड। एंड मिर्ज़ा बेक, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग,
और पुटिंग इन योर कॉमेंट एंड मस्त लगा, अच्छा लगा। बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट, अच्छा BRD डॉक्यूमेंट है ना, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, श्योर इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। यूज़र तो भी है, थैंक यू सो मच आपने कमेंट किया, इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है एंड फ्रॉम ETL टेस्टिंग पर्सपेक्टिव भी बनाएंगे, ठीक है। एंड एज अ डेटा इंजीनियर उनको एक पर्सपेक्टिव समझाने के लिए, सिंस मेरे को नॉलेज है, मैं काम करता हूँ, तो डेटा इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से BRD डॉक्यूमेंट कैसा होता है एंड फ्रॉम ETL टेस्टिंग पर्सपेक्टिव BRD डॉक्यूमेंट कैसा होता है, तो वो एक बार BRD डॉक्यूमेंट होता क्या है, कैसे होता है, वो चीज़ मैं थोड़ा डिटेल में एक बार समझा दूंगा, ठीक है। पक्का वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। थैंक यू आप लोगों ने कमेंट किया, प्यास लग रही सारे कमेंट्स हैं यार, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, आप मैंने किया होगा ना, ठीक है। एनीवेज एथिक गेमिक्स ब्रो, द्वारका दिल्ली 71 में कहाँ से हो? आई एम ऑल्सो CCNA स्टूडेंट और प्रिपेयरिंग फॉर EJPVT। पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया EJPVT क्या है, बट एनी वे CCNA तो पता है, नेटवर्किंग का कुछ एक स्टडी होता है वो तो पता है मुझे, डिटेल में इतना नहीं पता, बट हाँ भाई द्वारका, द्वारका दिल्ली, मैं दिल्ली का तो नहीं हूँ बट हाँ मैं थ्री इयर्स मेरे पापा रहते दिल्ली में, आई वॉज देयर फॉर फ्यू मंथ्स, मैं दिल्ली में रहा हूँ, पंजाब में बहुत टाइम रहा हूँ, पंजाब में, आगरा में तो पैदा ही हुआ, ठीक है, आगरा में पैदा हुआ था एंड पंजाब में 4 इयर्स एंड राजस्थान में 4 इयर्स रहा था एंड अभी बैंगलोर में हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू आपने कमेंट किया यार, आपने एक मेरे शॉर्ट्स पे कमेंट किया विच इज़ वेरी नाइस, बहुत शॉर्ट्स पे कमेंट करते नहीं लोग, बिजी है ना बहुत जल्दी जल्दी स्वाइप करने में ऊपर ऊपर कचाक कचाक, ठीक है। आनंद कुमार तो रिप्लाई आनंद कुमार के, थैंक्स थैंक्स किस में, अच्छा SQL में भी, अप्रिशिएट में भी यार, योर वेलकम यार, सो मच थैंक यू। योर वेलकम रिप्लाई कर देते हैं, थैंक्स आपने कमेंट किया, वो कमेंट बहुत बड़ी बात होती है अपने लिए यार, ऐसे मतलब बहुत चैनल बहुत छोटा है एंड उस चैनल में भी लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इट फील्स वेरी नाइस, तो अलग ही बात होती है वो तो एक, ठीक है। 40 मिनट हो चुका है क्या लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए, अरे भाई साहब है यार, एंड लोग देख भी रहे हैं, मजा आ रहा है, चलते हैं आगे बढ़ते, कब खत्म करेंगे तो फिर रिज्यूम बताएंगे दिखाएंगे। स्मॉल क्लिप है, कैन यू फाइंड द कंप्लीट वीडियो, मैंने बनाया नहीं कंप्लीट वीडियो, मैंने बनाया नहीं, वो तीन पार्ट में डिवाइड किया है, तो क्या करें इसको, ठीक है तीनों पार्ट मर्ज करके एक वीडियो डालता हूँ छोटा सा, आप देख लेना एंड इसको डिटेल, हाँ कंपेरिजन एक बना देता हूँ वीडियो पूरा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं तीन पार्ट बनाए थे इसके, तो तीनों पार्ट को मैं ज्वाइन करके
वीडियो डाल दूंगा, वो उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा। इप्सिता थैंक यू, आपने कमेंट किया, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी मच इंस्पिरेशन फॉर मी। ठीक है, ईगरली वेटिंग फॉर पाइथन प्लेलिस्ट रिलेटेड टू डेटा फील्ड। यस यार, मैं खुद भी बहुत यू नो कैसे बताओ कि क्या बनाएंगे, कितना कितना चीज़ बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा, बहुत कोशिश करूँगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। देखते हैं, पूरा एक पाइथन का प्लेलिस्ट बनाएंगे, पूरा डिटेल में क्या क्या पढ़ना है, कैसे डेटा रीड करना है, कैसे वैलिडेशन करना है, वो सब चीज़ें मैं सिखाऊँगा। ठीक है, कीप कमेंटिंग, मैंने ऑलरेडी, प्लीज़ कीप कमेंटिंग एंड कीप कमेंटिंग सो मच दैट आई एम फोर्स टू मेक दैट वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, आपने अप्लाई किया एंड मीन्स अ लॉट टू मी। DevOps के ऊपर क्या था, DevOps, आप DevOps में हैं क्या? जया जयमग्रा ए क्षितिज, ए क्षितिज, क्षितिज, ठीक है, सॉरी यार अगर आप, मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया है। ठीक है, DevOps इंजीनियर वो होते हैं जो क्या कहते हैं, डेवलपमेंट होने के बाद से वो इन्वायरमेंट में डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं, CI/CD पाइपलाइन बना सकते हैं, वो सब होते हैं DevOps। तो हो सके तो कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो DevOps करके लिखना, 10 कमेंट्स होगा तो DevOps के ऊपर एक वीडियो बना देंगे। कि बट ऐसा है कि नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, यू शुड नो हाउ दे वर्क। सो मैं 10-15 मिनट का वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो, बट 10 कमेंट्स मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हैशटैग DevOps लिखना है, 10 कमेंट्स मिनिमम चाहिए। की पोस्टिंग सर, यू आर हेल्पिंग अस अ लॉट। आनंद कुमार, थैंक यू सो मच यार, बिकॉज हैकर रैंक पे इतना वो मिला नहीं मुझे, क्या बोलते हैं, लोगों का इतना प्यार मिला नहीं, तो इसीलिए हैकर रैंक मैंने पॉज कर दिया वीडियो रिकॉर्ड करना। बट आई विल स्टार्ट अगेन विथ अ लिटिल डिफरेंट, ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट अमेजिंग यार, आई एम जस्ट टेलिंग यू, 2.7 लाख से ऑलरेडी 7 लाख आ चुके हैं हम लोग। 2.7 कहाँ था, 7 लाख में मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। और तो जब 15 वीडियो देखेंगे ऑलरेडी शायद 12 लाख तक आ चुका हूँ, ऑलरेडी मैंने रिकॉर्डिंग कर चुके हैं उसमें 7 लाख आ चुका हूँ, वो वीडियो शायद नेक्स्ट वीक तक आएंगे। ठीक है आनंद, थैंक यू सो मच, आपने यार वीडियो क्या कहते हैं देखा एंड उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, आई होप आप भी अपना रैंक इम्प्रूव कर रहे हो, एंड श्योरली आपका ये प्लेलिस्ट आएगा जरूर। ठीक है आनंद कुमार अगेन, प्लीज कीप पोस्टिंग सर, डोंट गेट डिमोटेड बाय लेस व्यूज, प्लीज कीप कंसिस्टेंसी, इट्स रिक्वेस्ट ऑफ मेनी एस्पिरेंट्स। थैंक यू यार आनंद कुमार, आपने थैंक यू फॉर सो मच, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, पक्का आपका वीडियो जो प्लेलिस्ट है पक्का आएगा। ठीक है, भारती थैंक यू, एसक्यूएल का भी एक प्लेलिस्ट लाता हूँ मैं, फिर से एक फ्रेश न्यू प्लेलिस्ट लाऊंगा। ठीक है, एसक्यूएल का एक पूरा फ्रेश न्यू प्लेलिस्ट लाऊंगा एंड पूरा डिटेल में इंस्टॉलेशन से लेकर के पूरा एक मस्त सा बना देंगे, एक कोर्स भी बना देंगे। ठीक है, आई विल मेक इट वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा कोर्स बनाएंगे, पूरा MySQL इंस्टॉलेशन से लेकर के सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है, वेलकम, थैंक्स अ लॉट यार, आप आग लगाते रहिए, एसक्यूएल और भी बहुत सारे लाऊंगा, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, इसके नीचे फिर मैंने ऑलरेडी आंसर कर चुका, नीचे कमेंट्स आंसर हो चुके, कैन यू प्रोवाइड मी सिलेबस ऑफ एसक्यूएल, 1 ईयर एगो, अरे भाई ना लेट, 1 ईयर एगो मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, कैन यू प्रोवाइड मी सिलेबस ऑफ एसक्यूएल। यार आप मेरे को रीसेंट वाला जो वीडियो है ना, वॉच दिस वीडियो, अभी मैं यहाँ से उसमें रोड मैप कहाँ गया, ये वीडियो
पूरा डिटेल इसमें रहेगा, ठीक है। बाकी सब कमेंट आंसर है ऑलरेडी, ठीक है। ओके यार मैं थोड़ा थक सा गया हूँ जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन करके, अब क्या हो यार, ठीक है करते हैं हम लोग क्या करेंगे तो रिज्यूम है ना, रिज्यूम को एक बार रिवील करूंगा आप लोग के सामने, ठीक है। बट थोड़ा सा टाइम दो मुझे, जो रिज्यूम है इसको रिवील करेंगे आपके सामने। पूरा रिज्यूम रिवील करूंगा मैं, क्या क्या चीज़ें लिखता हूँ क्या क्या नहीं लिखता हूँ वो सब चीज़ें मैं रिवील करूंगा, ठीक है आप सबको। एक छोड़ कर रहा हूँ मैं, दैट इज ऑल आई हैव गाइस। एंड आपको मज़ा आ रहा तो प्लीज़ बताना, एंड क्या क्या टॉपिक में और वीडियोस बनाना है वो भी बताना कमेंट्स में। एंड अगर आपने मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन करना। एंड मुझे टेकी कृष्णा कायकिंग का जो इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा वो भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं अच्छे अच्छे रील्स लाता हूँ और दिखा देता हूँ यार आप लोग को, मज़ेदार मज़ेदार, ठीक है चेकआउट कर लेना टेकी कृष्णा कायकिंग। तो वो थोड़ा टोटली डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट आई पोस्ट लॉन्गर वीडियोज ऑन यूट्यूब। अगर आप इजी स्निपेट को देखें तो उस तरह कुछ कॉन्सेप्ट है, बट अच्छा है। आई टीच ओनली डेटा रिलेटेड थिंग्स, तो वो भी चेक कर लेना। एंड प्लीज़ ज्वाइन माई व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल। एंड प्लीज़ अगर आप दिल से भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ QR कोड स्कैन करके कुछ भी डोनेशन आप करना चाहते हो तो कर देना। एंड एनीथिंग अबव 50 तो मेरे को बताना प्लीज़, मैं अपना खुद का रिज्यूम आपको दूंगा एंड मे बी कोई कोर्स आपको फ्री में दे दूँ। एंड अबाउ 100 तो प्लीज़ बताना, आपको जरूर कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहूँगा मैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड यू इन द नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग और इन द नेक्स्ट वीडियोज, ठीक है। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, एंड आपका सपोर्ट ही है जो मोटिवेटेड रखता है, बिकॉज अभी तक तो चैनल मोनेटाइज नहीं है। तो प्लीज़ गाइज कीप सपोर्टिंग एंड कीप परचेजिंग माई कोर्सेज एंड नोट्स, और भी बहुत सारे अपडेट्स आते रहेंगे, ठीक है। चलो गाइज यू बाय बाय एंड हैव अ गुड नाइट स्लीप, वर्क हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड मिडिल क्लास फैमिली का, दैट इज द ओनली थिंग वी हैव टू वर्क हार्ड, कीप रॉकिंग इट, ठीक है एकदम। जन्माष्टमी एंड हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको। जन्माष्टमी अभी गया, बहुत टायर्ड हूँ मैं भी, 2-3 दिन से फंक्शन चल रहा था, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी बहुत सारे वीडियोज रेगुलरली आएंगे एंड शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ, प्लीज चेकआउट द शॉर्ट्स ऑल्सो, ठीक है। बहुत सारे चीज़ कर रहा हूँ मैं, मज़े आएंगे, बहुत सारे मज़े आएंगे गाइज। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग योर ब्रदर एंड लव यू गाइज, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।